फॉर्म्ड बाई, सवाल है फिगर, फिगर फॉर्म्ड बाई वन प्लस जीरो आई माइनस वन प्लस जीरो आई, फिर थ्री प्लस फोर आई, ट्वेंटी फाइव अपॉन थ्री प्लस फोर आई माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस फोर आई, थ्री माइनस थ्री प्लस फोर आई, इनसे जो फिगर बनेगा बताना है कि वो फिगर क्या होगा। फिगर फॉर्म बाय दिस पॉइंट इज क्या होगा, कौन सा फिगर होगा, क्या चीज देगा बनाएगा, जरा बनाओ आर्केंट प्लेन पे तीनों फिगर को, क्या निकल के आएगा, ये लिख लिया, हम इसको मिटा देंगे अभी फटाफट। हाँ वो पॉइंट गलत जगह ले लिए थे बस। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है। पहला पॉइंट रियल पे वन वन का मान जीरो चलना है, यानी रियल पे वन चलना है और इमेजिनरी पे जीरो चलना है, इस पे माइनस वन चलना है या जीरो चलना है। फिर यहाँ पे या दूसरा वाला थ्री का मान फोर आई, मतलब इस पे तीन चलना है, इस पे चार चलना है, तो यहाँ पे कहीं थ्री का मान फोर हो गया और इस पे कहीं माइनस तीन चलना है और इस पे चार ही चलना है, तो ये तो ऊंचाई वही रहने वाली है, तो माइनस थ्री का मान फोर, तो ये जरा देखो सबको ज्वाइन करेंगे तो ऐसे वाला ये क्या बन गया आपका, एक ट्रेपेजियम बन गया, मतलब आंसर है ट्रेपेजियम। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज, हाँ बिल्कुल सही बात है। पहला प्रॉपर्टीज देखो, अभी तो स्टार्टिंग के मैक्सिमम सवाल इसी पे दिखेंगे। पहला आपका है कि इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेलिटी। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है जेड वन इज इक्वल टू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है, अगर हमने मान लिया कि लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है ए वन प्लस आई बी वन, और एक आपका जेड टू है, एक आपका जेड टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए टू प्लस आई बी टू, तो अगर इफ जेड वन इज इक्वल टू जेड टू है तो इसका एक ही तभी संभव है, दिस इंप्लाई रियल पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड टू, एंड एंड जरूरी है यहाँ पे, एंड का मतलब दोनों होना चाहिए बात साथ साथ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू, ये बात बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो जेड वन इज इक्वल टू जेड टू है तो ए वन प्लस आई बी वन इज इक्वल टू ए टू प्लस आई बी टू, तो यहां से ये इसके बराबर होगा और ये आपका इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ए वन बराबर ए टू हो जाएगा, रियल पार्ट रियल के बराबर हो गया, और बी वन बराबर बी टू हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसे सवाल में लेता हूँ छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर दो इक्वेशन देगा, लिखेंगे सवाल ए क्वेश्चन है कि Z1 आपका X प्लस फाइव आई है, Z2 थ्री माइनस टू वाई प्लस एक्स आई है, देन X एंड Y की वैल्यू चाहिए इफ Z1 इक्वल टू टू जेड टू इफ माइनस फोर है, तो बस कंपेयर करेंगे Z1 इज इक्वल टू टू जेड टू माइनस फोर कर लेंगे, Z1 की जगह पे है X प्लस फाइव आई और टू इंटू जेड टू की जगह पे है थ्री माइनस टू वाई प्लस एक्स आई माइनस फोर। अब जरा देखो ये तो इधर तक कुछ हमने करने वाले नहीं है, ये अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स माइनस फोर वाई प्लस एक्स आई माइनस फोर हो जाएगा। अब ये चार में से छह जाएगा कितना बच जाएगा दो, और यहां पे हो जाएगा माइनस फोर वाई प्लस
एक्स आई आएगा और ये एक्स प्लस फाइव आई आएगा। बोलो यहां से कंपेयर कर लेंगे, ये इससे कंपेयर हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स बराबर कितना दो और ये हो गया पांच बराबर माइनस फोर वाई प्लस एक्स, यानी आपके सामने आ गया वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर, यानी वाई की वैल्यू आ गई यहां से माइनस फाइव बाई फोर माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू अगर हम डाल दें इसमें टू तो ये हो गया माइनस थर्टीन बाई फोर। बिल्कुल सही आंसर है। अगले बात पे चलेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल को रियल से जोड़ते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ते हैं, जैसे बचपन में करते आ रहे थे वैसे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। डिवाइड, अच्छा हाँ चलो डिवाइड नहीं है, सिर्फ तुमने अच्छा बात बता दिया। एक नोट कर लेंगे कि जेड वन ग्रेटर देन जेड टू या जेड वन लेस देन जेड टू या जेड वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जेड टू, ये सब चीजें जेड वन लेस देन आर इक्वल टू जेड टू नॉट डिफाइंड, क्योंकि यानी कंपेरिजन नॉट डिफाइंड, यानी कि आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटी है या बड़ी ये हम नहीं बता सकते। वजह ये है कि कोई पॉइंट किससे कितना पॉइंट से कितना छोटा है कितना बड़ा है। जेड वन एक पॉइंट है, जेड टू एक पॉइंट है, तो आप ये नहीं कह सकते सर ये वाला पॉइंट बड़ा है ये वाला पॉइंट छोटा है, ये वाला पॉइंट मोटा लिखा गया ये वाला पतला लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पॉइंट का कंपेरिजन नहीं हो सकता कि वो पॉइंट कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं करती है, मॉडुलस की करेगी इसकी। अरे बात समझ लो, डिस्टेंस तो कम ज्यादा हो सकती है लेकिन आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्ट वो कम ज्यादा नहीं हो सकती है, तो ये डिफाइंड नहीं है। सेकेंड पॉइंट पे अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट पे क्या ही में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी एन। अच्छा कभी ये बताओ वेक्टर में कुछ पढ़ा था लॉ ऑफ एडिशन? कभी तो पढ़ा था ना, ठीक है बस हमें इतने की जरूरत है। देखो यहाँ पे पहली बात तो हम ये पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे जो इसका बिल्कुल फंडामेंटल बात है वो ये कि देखो अपने पास एक जेड वन है, हमने कहा कि ए वन प्लस आई बी वन है, और एक जेड टू है, हमने कहा ये भी आपका ए टू प्लस आई बी टू है। तो अगर मान लो कि जेड वन प्लस जेड टू निकाला जाएगा ना, तो ये आपका ए वन प्लस आई बी वन प्लस ए टू प्लस आई बी टू, यानी इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ देंगे ए वन प्लस ए टू, और प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो बी वन प्लस बी टू। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया यहाँ पे कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड वन प्लस जेड टू या जेड वन माइनस जेड टू की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, देखो तो रियल पार्ट ऑफ जेड वन क्या ये हो क्या रहा है? जब फिलहाल में मैं सिर्फ प्लस वाले को लिखूं, अभी फिलहाल में तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ा जाए, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करें एंड इमेजिनरी पार्ट से। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड के रूप में कहना चाहे कि अपने पास आया हुआ है जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू क्या यहां पे ए वन प्लस ए टू प्लस आई बी वन प्लस बी टू। बोला ये बात आई हुई है। अच्छा बताओ ए वन क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड वन है क्या? ए टू क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड टू है। अरे बात समझ में, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट ऑफ जेड वन प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड टू। यही बात वहां पे लिखी गई है हिंदी में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू, यही बात वहां हिंदी में लिखी गई है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ना, और बीच में क्या लगा देना है आई, और या अगर यहीं पे माइनस होगा तो यहां पे लग जाएगा माइनस, यहां पे लग जाएगा माइनस। लेकिन अगर इसी चीज को हमेशा एक बात ध्यान देना कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर की तरह ट्रीट होता है,
कॉम्प्लेक्स नंबर, हमेशा ये बात ध्यान देना कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर, यानी इसमें भी सब चीज लगभग लगेगा। मतलब क्या, लॉ ऑफ एडिशन इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक डायरेक्शन होता है, वेक्टर में भी डायरेक्शन है और लेंथ है, और लेंथ और डायरेक्शन होते ही वेक्टर हो जाती है क्वांटिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक डायरेक्शन है कि आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे जाना है, और हर कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका लंबाई होगा, एक लेंथ होगा, मॉडुलस होगा। जैसे अब आपको जेड वन प्लस जेड टू बोला है ना, हमने कहा कि जेड वन आपका देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने एक्स, और ये आपका एक्स है यार, ये रियल एक्सिस है, और अगर ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो मैंने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पे है जेड वन, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है, तो जेड वन की पोजीशन ओरिजिन बता रही होगी कि ओरिजिन के, हाँ पोजीशन वेक्टर हो गया वो, बात समझ में आ रही। कभी ना कभी पढ़ा होगा कि पोजीशन वेक्टर आपका ये होता है कि ओरिजिन से, हाँ ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन से आपका ये वाली लंबाई हो गई या ये वाली वेक्टर हो गई जेड वन, ये जेड वन हुआ, सिर्फ ये जेड वन हुआ, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है, कोई यहाँ पे जेड टू है, तो Z2 को यहां से यहां तक मैंने कहा कि ये Z2 है। क्या वेक्टर में भी यहां पे वेक्टर A या वेक्टर B हुआ करता है? अब जोड़ा जाएगा इसको, तो ये आपका जो पैरेललोग्राम बनेगा यहां से, जो इसके रिगार्डिंग जो पैरेललोग्राम बनेगा, ये पैरेललोग्राम इसी पैरेललोग्राम के डायगोनल को ही क्या ये वेक्टर, क्या ये आपका वेक्टर हो जाता है, क्या क्या आपका एडिशन हो जाता है, क्या क्या यही वाला जो वेक्टर होता है यही आपका Z1 प्लस Z2 हो जाता है क्या? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जो ये वाला पैरेललोग्राम का डायगोनल है, किसको, हाँ इसको पैरेलली शिफ्ट किया गया, इसको पैरेलली शिफ्ट किया, जिसको बोलते हैं फ्री वेक्टर, वेक्टर में इसका नाम होता है क्या, फ्री वेक्टर। तो ये पैरेलली इधर शिफ्ट हो गया, और फिर आपका जब ये चला गया इधर शिफ्ट हो गया, तो ये यहां से यहां गया, यहां से आ गया, तो एक्चुअल में यहां से यहां चला गया, इनिशियल टू फाइनल। और इसी को जो ये वाला पॉइंट है ना, ये जब ये वाला पॉइंट है जेड वन प्लस जेड टू, और ये लंबाई जेड वन इस वेक्टर को ओरिजिन से डिनोट करेंगे, तो ये जरा जाएगा जेड वन प्लस जेड टू। और फिजिक्स पढ़े हो ना, और इसका देखो दूसरा वर्जन, जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन माइनस जेड टू, ठीक है, सही है। ये आपका रियल है, ये आपका इमेजिनरी है, यहां पे कहीं जेड वन है, यहां पे कहीं जेड टू है, ये आपका हो गया जेड वन, ये आपका हो गया जेड टू। अब हमको जेड वन प्लस जेड टू चाहिए था, तो हमने इसको ऐसे बना लिया था, और ये आपका बन गया आपका जेड वन प्लस जेड टू हो गया था, ये आपका Z1 प्लस Z2 हो गया था। अब Z1 माइनस अगर Z2 चाहिए, Z1 माइनस Z2 चाहिए, तो क्या करेंगे कि पहले Z2 को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा क्या, ये आगे बात समझ में, उतना ही यूनिट नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब जरा देखो ये ऐसे चला गया, ये हो गया आपका माइनस Z2, ठीक है ना, और इन दोनों का उसको फिर इसे तरह से खींचेगा, ठीक है, इसको भी पैरेलल शिफ्ट कर दे, नहीं इसको Z2, ये तो खुद ऑलरेडी Z2 हो गया, और ये आपका हो गया माइनस Z2, ये Z1 हो गया, ये माइनस Z2 हो गया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो यहां से जो आपका बनेगा ना, ये देखो ये और आपका ये भी Z2 ही है, इन दोनों को हम जो पैरेललोग्राम बनेगा, देखो ये वाला जो पैरेललोग्राम बनेगा, देखो इसके पैरेलल ये चला गया ये वाला, और इसके पैरेलल ये आया, तो जो इसका ये दूसरा डायगोनल होगा, यही डायगोनल इसका और इसका सम हो जाएगा, और इसका इसका सम का मतलब ये वाला डायगोनल क्या है आपका Z1 माइनस Z2, यही वाला पॉइंट आपका Z1 माइनस Z2 होगा, और इसको हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो यहां पहुंच जाएगा ये, इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो दूसरा वाला डायगोनल आ जाएगा, और ये डायगोनल का डायरेक्शन ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन ये है नीचे की तरफ, और डायरेक्शन, और ये डायगोनल का क्या नाम है Z1 माइनस Z2, बस सवाल करेंगे, बिल्कुल 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 करेंगे करेंगे, हम लोग भी करेंगे। अब जरा देखो, जिस दिन ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर हो गई डायगोनल, उस दिन ये क्या हो जाएगा, रोम्बस में कब से, रोम्बस में कब से डायगोनल बराबर होने लगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल, अरे बस मन में, या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा,
बात समझ में आ रही है? अगर ये अच्छा ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर दिए तो नहीं स्क्वायर हो जाएगा पक्की बात पे, इक्वल भी हो गए और 90 डिग्री पे कट भी कर दिए, और सिर्फ 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? रोम्बस। बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब कि इसकी और इसकी लंबाई सेम हो जाएगी, अदरवाइज किसी भी दूसरे एंगल पे कट करेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम रहेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा इन दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे वो हम यहाँ पे वहां पे, तो इन दोनों दो वेक्टर के बीच का एंगल बोला जाता था, यहाँ पे हम कुछ और बोलेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू या जेड वन इंटू जेड टू बार, ऐसे कुछ आर्गुमेंट के टर्म में आएगा। हाँ एकदम 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 बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब सवाल आएगा ना तो वो ऐसे ऐसे डिनोट करने लायक नहीं आएगा, वो ऐसा सवाल आएगा इसमें से कि हम घूम घाम रहे होंगे कि कहां से क्या बनेगा ये। नहीं वो सब नहीं लग पाएगा, मेरा पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई खास चीज नहीं है, ये सब लोग आप जानते हो, सब कुछ करते हो, इसमें कुछ भी खास है ही नहीं। जैसे आपके सामने ये है कि एक कोई जेड वन है इक्वल टू ए वन प्लस आई बी वन, और एक आपके सामने जेड टू है ए टू प्लस आई बी टू, और आपसे कोई पूछे कि मल्टीप्लाई करो जेड वन इंटू जेड टू को, तो आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे ए वन प्लस आई बी वन इंटू ए टू प्लस आई बी टू, कोई इसमें और कुछ है ही नहीं। मल्टीप्लाई किया तो a1 का a2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस a1 का b1 से तो ib2 हो गया, प्लस ib1 a2 हो गया, प्लस आपका i स्क्वायर b1 b2 हो गया, और ये रियल पार्ट को इकट्ठा कर लिया ये हो गया, और ये माइनस वन बी वन बी टू हो गया, तो ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू, और कोई स्पेशल फॉर्म में नहीं बनता है ये कि कोई इसको लिखे अलग से, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, ए वन बी टू माइनस बी टू प्लस ए टू बी वन, बस यही आपका जेड वन जेड टू हो गया। कोई याद रखना नहीं है, बस प्रोसेस समझना है इसका। ऐसे फटाफट एक करके मुझे बता दो, आंसर बता दो कि आपका क्वेश्चन है कि 1 प्लस टू आई थ्री माइनस फोर आई को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, हम भी कर देते हैं तीन, फिर ये आपका माइनस फोर आई, फिर आपका प्लस सिक्स आई, फिर आपका माइनस एट आई स्क्वायर, मतलब तीन माइनस तीन प्लस टू आई माइनस प्लस इलेवन में प्लस टू आई, हाँ देखो तो हो सकता है हम गलत भी हो। अगला सवाल, ए एक्स प्लस आई वाई इंटू टू प्लस थ्री आई इज इक्वल टू वन प्लस आई, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बताए। उसके अगले बाद अगला सवाल, इफ ठीक है ना, इफ वन प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस आई का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू वन प्लस आई, फाइंड एक्स एंड वाई। स्टार्ट करो, हाँ बनाओ दूसरा वाला, ये है आपका मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस आई वाई और 2 प्लस थ्री वाई, थ्री आई इक्वल टू वन प्लस आई, मल्टीप्लाई करना चालू किए तो यहां से आया 2x, फिर यहां से प्लस थ्री आई एक्स प्लस टू आई वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन प्लस आई, कंपेयर कर दिया हम लोगों ने तो ये हो गया 2x माइनस थ्री वाई रियल पार्ट को रियल पार्ट से, एंड इमेजिनरी पार्ट को यहां से इमेजिनरी पार्ट आई कॉमन होने के बाद सिर्फ थ्री एक्स प्लस टू वाई बचा हुआ है इज इक्वल टू प्लस वन, सही है ना? यहां से ना देखो तो ये यहाँ पे इसको दोनों में इस बार दोनों इक्वेशन में अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? दोनों इक्वेशन को अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसमें मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपका फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू टू, और इसमें तीन से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें
तीन से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हो गया आपका 9x माइनस प्लस 6y इज इक्वल टू आपका ये है आपका प्लस 3, दोनों को जोड़ दिया ये कट गया 9 4 13, x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गई आपका 5/13 और y की वैल्यू निकाल लेंगे आंसर मिल जाएगा। सेकंड सवाल ठीक है, सेकंड सवाल पे 2 मिनट ले लो। वन प्लस आई वन माइनस आई को सॉल्व करने के लिए जरा देखो इसको ऊपर नीचे वन प्लस आई से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। वन प्लस आई से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये सिर्फ अभी क्यों किया ये बाद में हम पता चल जाएगा। ये वन प्लस मल्टीप्लाई करते थे ऊपर में आ गया वन प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i, नीचे में आ गया वन का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ये ऊपर में यहाँ पे बन गया वन माइनस वन प्लस 2i और नीचे में बन गया वन प्लस वन, ये वन से वन कट गया, टू से टू कट गया, बच गया अपने पास आई। अरे अभी फिलहाल में इसको सिर्फ नीचे में इसका वन माइनस आई है तो वन प्लस आई से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बिल्कुल अलग चल रहा है, क्यों चल रहा है वो थोड़ी बात पता चलेगा क्यों चल रहा है ऐसा। अच्छा एक बात याद रखना कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की वैल्यू हमेशा क्या होती है आई, काम आ जाता है डायरेक्ट, कई बार सवाल में डायरेक्ट काम आ जाता है ठीक है ना। तो ये हो गया, यानी अब सवाल को ले लेते हैं तो ये लिखा है एक्चुअल में आई का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई है, यहाँ भी ऊपर नीचे एक्स माइनस आई वाई से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एक्स माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करते रहे, ये प्लस वन प्लस आई आ गया, ये तो आ गया माइनस वन, यहाँ पे आ गया एक्स माइनस आई वाई और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस आई, यानी अब यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, मैं ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया, माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस आई। अब बोलो कंपेयर कर सकते हैं क्या रियल पार्ट का रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर तो कर सकते हैं, इसलिए तो किए हैं सब। अरे रियल पार्ट का रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट का, अरे मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है, नीचे एक्स माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करने में क्या आपत्ति है, कोई आपत्ति थोड़ी है, तो बता कैसे देते। हाँ रेशनलाइज करना है वो, ये हो गया वन एंड यहाँ पे आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी आ गया वन। अब जरा देखो देखो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको ये वन उधर चला गया ना, मतलब ये वन तो इधर चला गया तो टू बन गया वो, तो ये हो गया आपका एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई बात समझ में। और यहाँ से देखो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया प्लस टू वाई ना, माइनस टू वाई, माइनस टू वाई ठीक है। अब किसी में एक में उठा के रख देते हैं माइनस वाई और ये क्या हो गया आपका फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव वाई स्क्वायर, यहाँ से एक वाई की वैल्यू जीरो होगी और ये तुम्हारा कैसे आ रहा था, ये मुझे यही आंसर चाहिए था माइनस वाई वाई ठीक है ना, तो ठीक है तो एक वाई की वैल्यू जीरो हो गई, एक वाई की वैल्यू आपका माइनस वन बाई फाइव हो गई, तो एक एक्स की वैल्यू यहाँ से एक एक्स की वैल्यू जीरो हो गई और एक एक्स की वैल्यू प्लस टू बाई फाइव हो गई, लेकिन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते क्योंकि नीचे में अनडिफाइंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू बाई फाइव और वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव, यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। कल हम पढ़ेंगे मॉडुलस फिर